मॉर्निंग टू ऑल, मैं हेमा, हेमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल डिश शेयर करने वाली हूँ, पूरा फुल मील, पूरा लंच, क्योंकि उस लंच में ही बहुत अच्छा लगता है। ये मालवा का प्रसिद्ध दाल वाफला है। मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे दाल वाफला कैसे बनाते हैं बताइए, क्योंकि बहुत टफ है दाल वाफला बनाना, बट मैं आज आपको बहुत ही ईजी वे से खाऊंगी, जो लॉकडाउन के दौरान आपके घर में वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं आज दाल वाफला बनाऊंगी कढ़ाई में। तो मैं सबसे पहले एक बढ़िया ताज़ा सा मीठा नीम तोड़ती हूँ अपने घर से दाल फ्राई करने के लिए, और आपको मैं दाल फ्राई करने का वे भी बताऊंगी कि दाल फ्राई कितने इजी तरीके से की जाती है। तो हम चलते हैं हेमा की रसोई में फटाफट और दाल बाफला बनाते हैं। दाल बाफला बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो दाल बाफला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दाल बना के रख ली है, क्योंकि मैंने सोचा पहले से बना लेती हूँ। तो दाल मैंने पहले से ये उबाल के रख ली है, अभी मैं आपको फ्राई करना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं करती हूँ पानी उबालने की तैयारी, है ना। बाफला उनको उबालना पड़ेगा, तो मैं पानी सबसे पहले उबालने रख देती भगोने में। ये भगोने में उबालने रख दिया पानी, तो ये जब तक उबलेगा तब तक मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए है करीब 400 ग्राम मैंने आटा लिया है, ये है 8 लोगों के लिए बाटी, इसमें दाल बाफला बन जाएगा। और एक कटोरी सूजी, यानी कि अगर मैं नापती हूँ तो ये 150 ग्राम सूजी होगी, ठीक है। और मैंने लिया है कुछ मलाई, ये मलाई से बहुत खस्ता वाफला बनता है, बहुत अच्छा बनता है, घर के दूध की मलाई है मेरी। और मीठा नीम तो दाल फ्राई के लिए चाहिए, मीठा नीम, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची, जीरा, राई, हल्दी, धनिया और हींग, है ना, ये सब चाहिए। और मेरे को चाहिए घी, क्योंकि दाल वाफला जो बनता है वो घी में ही बनता है। तो सबसे पहले मैं आटा गूंथती हूँ, क्योंकि हमको आटा गूंदने के बाद उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आटा गूंथती हूँ, और आटे में मैं मिलाती हूँ ये सूजी, ठीक है। ये मैंने इसको सूजी को डाल दिया इसमें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि वाफले में नमक डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा क्रश करके, थोड़ी सी डालूंगी मैं अजवाइन, है ना, अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, इसको भी मैं हाथ से ऐसे क्रश कर लूंगी ये ऐसे थोड़ा सा, तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें हींग, दाल वाफले वाला जो आटा है इसमें मैं हींग भी डालूंगी। अब हम सबसे पहले इसका गोला बना लेंगे अच्छे से, ये देखिए इसमें मैं डाल दूंगी पूरी, अब मेरी मलाई होगी करीब 100 से 150 ग्राम, ये मैंने मलाई डाल दी है, इससे बहुत खस्ता बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मलाई डालें, बट मैं डालती हूँ इसलिए मैंने डाला है। और करीब हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम घी मून के लिए, है ना। अब हम इसको चम्मच से तो ये गूंदेगा नहीं, तो अब हम इसको आटे को गूंदते हैं। ये आटा हमारे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंदना है, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, जैसा हम पूरी का गूंदते हैं ना, हमको वैसा ही गूंदना है। ये देखिए हमारे बाफले का आटा बिल्कुल गुन गया है, ये देखिए ऐसे पूरी की तरह, क्योंकि अभी इसमें सूजी डली है ना, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। इसको हमको करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए थोड़ा रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। देखिए है ना कितना अच्छा गुंदा है हमारा आटा, देखिए ये, क्योंकि बाफले का आटे में ही मेन टेस्ट है। अगर आटा हमारा अच्छा गूंदेगा तो हमारे बाफले बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं इसके साथ चूरमा भी बनाऊंगी, क्योंकि पूरा फुल मील बनाना है ना हमको, तो मैं आज आपको चूरमा का लड्डू भी बनाना सिखाऊंगी। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक मैं आपको फटाफट दाल फ्राई करके बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो दाल फ्राई करना है ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अगर हम जब मन से बनाते हैं तो उसका एक टेस्ट ही अलग आता है। आप कभी भी कोई भी चीज़ बनाएं तो थोड़ा मन से बनाएं, जब आप हम कोई चीज़ मन से बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, है ना। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें घी, क्योंकि ये दाल वाफले की दाल है, ये थोड़ा घी में ही अच्छी लगेगी, तो इसको मैं घी में बनाऊंगी इसको। जब हमारा घी गर्म होता है फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। हमें लगता है हमारा घी अब गर्म हो गया है, सबसे मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी हींग। वैसे है मैंने हींग इसको उबलने में भी डालती। आप ना जरूरी टिप एक बताती हूँ मैं आपको, आप जब भी दाल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा वो डालें तो आपको अलग ही टेस्ट आएगा। आप करके देखिएगा कभी, एकदम अलग टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मीठा नीम, उसके बाद मैं डालूंगी जीरा और राई। ये देखिए जीरा और राई, जीरा और राई को हम अच्छे से क्रैक होने देंगे। थोड़ा गैस को मैं कर दूंगी सिम पे, क्योंकि राई जो है वो बहुत इकट्ठी है। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा प्याज,
प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसकी जो दाल बाफले की जो दाल होती है वो थोड़ी सी चीखी और थोड़ी सी अच्छी होती है, इसलिए मैं इसको प्याज में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको बिना प्याज में भी फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और मीठा नीम तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप मन से बनाते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो आप इसको बहुत मन से बनाइए और बहुत इजी वे करिए, मन में सोच के मत बनाइए कि इसको बहुत टाइम लगने वाला, आप ये सोचो कि ये तो जल्दी से बन जाएगा, तो आपकी ये चीज़ बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, ये देखिए प्याज कितने अच्छे से भुन गई है, ये एकदम छूट गया। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। ये मैंने 3 छोटे टमाटर लिए थे, बिल्कुल बड़ी बड़ी काट ली हुई, देखिए है ना। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, जिससे मेरे टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। दाल में तो नमक है, बस मैं टमाटर के हिसाब से नमक थोड़ा सा डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और देशी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जो होती है ना, कश्मीरी लाल मिर्च से क्या कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च का, तो थोड़ा सा तड़का जो है इसका थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी अच्छा कलर आया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है एकदम मस्त। बस इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखिए है ना। अब मैं देखती हूँ अपना आटा मेरा रेस्ट हो गया है। हाँ ये एकदम देखिए सॉफ्ट हो गया है, देखिए दिख रहा होगा आपको एकदम सॉफ्ट हो गया है, ये कितना अच्छा हो गया देखिए ना। तो अब हमारा यहाँ पानी भी उबल गया है, देखिए कितना अच्छा उबल रहा है पानी, एकदम अच्छा कड़क उबलना चाहिए ना। अब ये और उबलने दीजिए पानी को, और हमारी जो दाल बन रही है तो बन ही रही है। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल हो गया। जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं तब तक मैं अपने पेड़े बना लेती हूँ, है ना। पेड़े हमको ऐसे बनाने हैं, बाफला थोड़ा बड़ा होता है बाटी से, है ना। तो देखिए ऐसे इसको ऐसे किया और हल्का सा प्रेस कर देंगे हम इसको, तो इस तरह से हम अपनी सारी बाफला बना लेंगे। साइज़ आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट मैं अपने घर के हिसाब से आराम से ऐसे बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब हम बाफले डालेंगे तो ये थोड़े से बड़े होंगे, ये फूल जाएंगे, सूजी है ना इसमें, तो ये फूल जाएगी। ऐसे बना के हम पूरे रख लेंगे ऐसे। देखिए हमारे टमाटर भी बिल्कुल एकदम गल गए हैं, अब मैं अपने इसमें दाल डाल दूँगी। ये देखिए देखिए हमारी दाल भी फ्राई बहुत अच्छे से हो रही है। अब इसको मैं करीब 3 से 4 मिनट उबलने दूंगी। देखिए कलर कितना सुंदर आया है, जो हमने लाल कश्मीरी मिर्च डाली है ना, इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है कि देख के ही मन हो जाएगा एकदम से बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए है ना, ये दाल बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इसको ज़्यादा पतली करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है। अगर आप थोड़ा पतला खाते हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। अब हमारी यहाँ पर दाल को मैं ढक देती हूँ 3 मिनट के लिए, और हमारा देखिए पानी उबल रहा है। आपको ये ध्यान से देखना है कि पानी जो है वो ऐसे उबलना चाहिए ना, ऐसे एकदम उबलते हुए पानी में हम अपना बाफला डालेंगे। देखिए ऐसे मैंने गोल किया, उसको हल्का सा प्रेस किया और एक एक करके हम इसको डालेंगे। देखिए ये देखिए एक साथ हमको नहीं डालने हैं, एक एक करके हम डालेंगे इसको, और गैस को मैं कर दूंगी अभी तेज। ये देखिए तो ये क्योंकि जो हमारा ये बाफला है इसको अच्छे से उबलना चाहिए, और इसको हम करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही उबालेंगे। 20 मिनट के लिए हमको इसको ऐसे ही उबालना है। ये देखिए दाल भी हमारी कितनी अच्छी बनी है, और कलर देखिए बिल्कुल एकदम आया ना रेस्टोरेंट वाला कलर। जब हमारे टमाटर भुनने लगते हैं ना तभी हमको जल्दी से घी में कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाल देना चाहिए। तो आपका ये देखिए कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट वाला कलर आया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, और हमारी दाल हो गई बिल्कुल रेडी। और हमारे यहाँ पर देखिए बाफले भी बन रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उबल रहा है ना, अपने आप ऊपर तैरने लगे ना। बस अब इसको उबलने दीजिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए, आप इसको ढक देंगे और गैस को की आंच को मैं कर दूंगी सिम पे, और ये वाली गैस मैं बुझा देती हूँ क्योंकि मेरी दाल बन गई है। मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देती हूँ। अब दाल बाफले बना रहे हैं हम, है ना। तो दाल बाफले जब हम बना रहे हैं तो हमें भरता भी बनाना है। तो भरता कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक बिल्कुल क्विक रेसिपी सिखाऊंगी, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आपका भरता बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बनाऊंगी मैं आपको भरता बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये कढ़ाई रख देंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। और ये जो हमारे बैंगन है इसमें मैं हल्का सा ये देखिए घी लगाऊंगी, और घी लगा के इनको ऐसे ही रख देंगे हम। ये देखिए ना हमारी गैस ख़राब होगी
और ना ही हमारा कुछ खराब होगा। इसको करीब मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दूंगी। बस आप देखिएगा बैगन हमारे इतने अच्छे बन जाएंगे। बहुत इजी मेथड है हमारे भरता बनाने का। हमारी दाल बन गई है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। ये देखिए गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी सी धनिया मैं ऊपर से गार्निश और करूँगी। अब दाल एकदम रेडी है और हमारे बाफले भी रेडी होने वाले हैं। फिर मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ उसको तलने के लिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है और कलर कितना सुंदर आया। ये देखिए हमारे बाफले एकदम तैर के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम एकदम है और 20-20 मिनट्स भी हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे बाफले रेडी हैं। अभी हम एक एक करके देखिए फूल गए ना, आपको दिख रहा होंगे फूले हुए एकदम से, है ना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद में हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद कढ़ाई जलाएंगे, थोड़ा ये ठंडे हो जाए। उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे कढ़ाई में। आज हम बाफला बनाएंगे कढ़ाई में। वैसे इसको आप ओवन में भी बना सकते हो, बट ओवन में नहीं, मैं आज आपको कढ़ाई में सिखाऊंगी बिल्कुल इजी तरीका, जिससे कि आप बिल्कुल फटाफट बना सकें, है ना। कहते हैं ना, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। तो आप अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाइए और खाइए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सबसे अच्छी रेसिपी अपने शेयर करूँ। ये मैं ऐसे सारे निकाल लेती हूँ, ये जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं अपने बैगनों का हाल देखती हूँ कि क्या हुआ मेरे बैगनों का हाल। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने अच्छे हमारे बैगन। ये देखिए हो गए ना। बस इसको अब हम इसको निकाल लेंगे, उसको ये देखिए छील लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो हम इसको छील लेंगे। तो इसका गैस मैं कर देती हूँ। और ये हमारे बैगन देखिए आपको कितनी जल्दी, 5 मिनट में हमारे दोनों बैगन भुन गए। ये देखिए कितने अच्छे बैगन भुने हैं ना। अब मैं इसको छीलूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं छीलूंगी इसको। देखो आपको दिख रहे होंगे कि कितने अच्छे भुने हैं ना, कितनी जल्दी, ना गैस खराब होने का झंझट ना कुछ। बस मैं इसका फटाफट भरता बनाती हूँ। गैस मैंने जला दी है, बाफले एकदम बिल्कुल ठंडे हो गए हमारे। देखिए एकदम ठंडे हो गए बाफले। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि ये बाफले है, बहुत हैवी और बहुत टेस्टी खाना होता है ये। तो इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा। जब तक हमारा घी गर्म होगा तब तक हम, जैसे ये घी गर्म होगा ना तो मैं इसको बनाऊंगी 20 मिनट्स के लिए। और जो भरता मैं बनाने जा रही हूँ उसमें सिर्फ टमाटर, धनिया और मिर्ची चाहिए हमको। और ये देखिए मैं इसको छीलूंगी। देखिए कितना इजी तरीका, देखिए आपने देखा कितना इजी, एक मिनट भी नहीं लगा और बैगन का भरता बनके तैयार है। इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, ये कच्चा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ बाफले के साथ ना ये कच्चा ही अच्छा लगता है, क्योंकि दाल हमारी बहुत हैवी और बहुत अच्छी फ्राई करी हुई है। ये देखिए इसको मैं ऐसे छील लूँगी। घी हमारा गर्म हो गया, अब मैं एक एक करके इसमें बाफले सारे डाल दूँगी और गैस को कर दूंगी एकदम सिम पे। और इसको हम ढांक के बनाएंगे, है ना। ठीक है, जितने हमारे उसमें आ रहे हैं उतने हम रख देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना, कितना इजी बनाना। तो देखिए सारे काम हमारे फटाफट होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस हमारा इतना ही आएंगे इसमें, इतने में रख देती हूँ क्योंकि इसको सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ, इसको मैं ढक देती हूँ करीब 15-20 मिनट के लिए। लेकिन हम इसको बीच बीच में चलाकर देखते जाएंगे। देखिए है ना, अभी हमारा ये तो बन गया है बाफले। तो क्योंकि मुझे लड्डू बनाना है इसलिए मैंने रख दिया है। अब मेरा देखिए बैगन मैंने कितनी जल्दी भुना था, आपने देखा था ना कितनी जल्दी हमारे 2 मिनट में बैगन भुन गए थे। इसमें मैं डालूंगी कच्चा टमाटर बारीक बारीक कटा हुआ, और इसमें डालूंगी मैं प्याज, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, और थोड़ा सा मैंने कैरी लिया कटा हुआ। ये देखिए कच्ची कैरी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, ये देखिए नमक स्वाद के अनुसार। और मैंने डाला है इसमें भुना हुआ जीरा, ये देखिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च बस। ये देखिए हमारा भरता एकदम तैयार हो गया और कितना अच्छा लग रहा है देखिए आप। और कितनी जल्दी फटाफट हमने छोटे बैगन का भी भरता बना लिया। ये कच्चा भरता इस दाल बाफले के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मी बनाती थी हमेशा, तो मुझे याद है कि बाफला, दाल बाफला बैगन के भरते के बिना बिल्कुल नहीं। बैगन का भरता और लड्डू तो हमको चाहिए चाहिए चूरमा के। तो ये देखिए हमारा भरता भी एकदम रेडी हो गया और कितना प्यारा कलर आया इसका देखिए आप। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितनी जल्दी बन गया। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें एकदम बन गई हैं, दाल भी हमारी रेडी हो गई, भरता भी हमारा रेडी हो गया है। और अब हमारे बाफला सिक रहा है। जब बाफला मेरा सिक जाएगा तो मैं इसके फटाफट लड्डू बनाऊंगी। जब तक मैं अपनी शक्कर भी पीस के रख लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे ऐसे हम पलट देंगे इनको। ये देखिए एक साइड से हमारे सिक गए हैं, देखिए कितने बढ़िया अपने आप फटने लगे हैं। इसका मतलब हमारे सिक रहे हैं, देखिए है ना, कितने अच्छे सिक रहे हैं देखिए। और हमारा यहाँ पर सारा कुछ रेडी हो गया है। देखिए बैगन का भरता भी रेडी हो गया है और बाफला तो रेडी हो ही गया है, दाल पहले ही रेडी हो गई थी।
बस अभी अब मेरा बाफला सिक जाए तो मैं जल्दी से लड्डू भी बना लूँगी। शक्कर मैंने पीस के रख लिया है और फटाफट हमारी ट्रेडिशनल दाल बाफला थाली रेडी हो जाएगी। और कितना टाइम लगा टोटल? टाइम मुझे 45 या 50 मिनट लगे हैं टोटल पूरा तैयारी करने में और पूरा बनाने में हमारी ट्रेडिशनल थाली। अब इसको मैं फिर से ढक दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये और होगा, अभी थोड़ा सा कसर बाकी है इसलिए थोड़ा सा भी और होगा। ये देखिए हमारे दोनों तरफ से कितने अच्छे से सिक गया। ये देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन हो गई है और एकदम सॉफ्ट है ये बिल्कुल एकदम। देखिए अभी तो ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये फट गया, इसका मतलब कि बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए है ना सॉफ्ट। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा करके मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन हुए हैं एकदम से, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए, है ना। इसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे लड्डू बनाना है ना, इसलिए देखिए कितनी जल्दी से हमारे बन गए। तो आप एक बात याद रखिए, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। तो खाना अच्छे से मन से बनाइए और मन से खिलाइए तो जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाता है एकदम से बढ़िया। ये देखिए कितने अच्छे हमारे फट गए हैं और कितने बढ़िया बने हैं देखिए आप, है ना। तो अब मैं करती हूँ फटाफट प्लेटिंग। ये देखा मेरा बाफले का भी पिस गया, इसमें थोड़ी सी मैं इलायची डालूंगी और थोड़ा सा घी डालूंगी और इसमें ड्राई फ्रूट अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। थोड़े से मैं शक्कर, फटाफट मैं भी जल्दी से दो चार लड्डू बना लेती हूँ क्योंकि अभी और सिक रहे हैं ना इसलिए। ये देखिए हमारी ये बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है दाल बाफले की थाली, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे गरम गरम, क्योंकि ये जो घी है ना ये घी बहुत अच्छा लगता है बाफले के ऊपर से। थोड़ा गरम गरम डालेंगे अपन इसमें और जितना आप चाहें, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिए। देखते देखते इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता ही है। ये देखिए हमारी दाल बाफले चूरमा पूरा रेडी हो गया। थाली आप देख सकते हो कितनी सुंदर, और देखिए लड्डू भी हमारे कितने अच्छे और कितने फटाफट बने देखिए आप, मस्त। इस पूरी ट्रेडिशनल थाली रेडी है। तो आप लॉकडाउन में बनाइए, खिलाइए और आनंद उठाइए दाल बाफले का, एकदम ट्रेडिशनल बहुत ही बढ़िया बनाया ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी और मुझे ज़रूर फीडबैक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।